ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 12 फरवरी 2023। ओरिजिनल डेट है 16 दिसंबर 1993। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने विशेष एक बाबा से सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करने के लिए सच्चे स्नेही बनने के लिए कहा। आज बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बताया। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे हैं जो स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं। और फिर बाबा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चों के पुरुषार्थ और स्थिति का वर्णन किया। सुनते हैं उसका वर्णन प्यारे बाप दादा के महावाक्यों में विस्तार से। आज की मुरली का सार है, सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंधों का साकार में अनुभव करो। बाबा ने कहा, आज विश्व स्नेही बाप दादा अपने अति स्नेही और सदा बाप के साथी व सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माएं स्नेही अवश्य हैं। स्नेह ने ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन लाया। फिर भी स्नेही 3 प्रकार के हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे है स्नेह निभाने वाले और तीसरे है स्नेह में समाये हुए। समाना अर्थात समान बनना। तो बाबा ने कहा, समाना अर्थात समान बनना। स्नेह करने वाले कभी स्नेह करते हैं, लेकिन करते करते कभी स्नेह टूट जाता है, कभी जुट जाता है। इसलिए समय प्रति समय स्नेह जोड़ने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि बाप के साथ साथ और कहाँ भी स्नेह, चाहे व्यक्ति से चाहे प्रकृति के साधन से, कहाँ भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है, तो बाप से स्नेह करने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। बाबा कहे, स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वतः ही जाता है। स्नेह करने वाली आत्मा का हर समय हर स्थिति हर परिस्थिति में आधार अनुभव होता है। अगर साधनों से स्नेह है तो उस समय बाप से भी ज्यादा साधन का आधार अर्थात सहारा अनुभव होता है। उस समय उस आत्मा के संकल्प में बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है कि बाप का स्नेह श्रेष्ठ है, लेकिन यह साधन व व्यक्ति का आधार भी आवश्यक है। इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है, इसलिए बार बार स्नेह जोड़ना पड़ता है। एक बल एक भरोसे के बजाय दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवश्यक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाय दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकर्षित कर लेती है। इतना आकर्षित करती है जो उसी को ही आवश्यक समझने लगते हैं। लगाव नहीं समझते, लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरा है स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ति है। निभाना अर्थात स्नेह का रिस्पॉन्स देना, रिटर्न देना। बाबा कहे, स्नेह का रिटर्न है जो स्नेही बाप बच्चों से श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, वो सर्व आशाएं प्रैक्टिकल में पूर्ण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, लेकिन सदा बाप समान अर्थात समाये हुए वो अनुभूति कभी होती कभी नहीं होती। फिर भी निभाने वाले समय पे हैं, लेकिन समान नहीं है। स्नेह निभाने वाले को निभाने के रिटर्न में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उत्साह की मदद विशेष बाप द्वारा मिलती रहती है। बाबा कहे, तीसरे जो स्नेह में समाये हुए है, उन आत्माओं के नयनों में मुख में संकल्प में हर कर्म में सहज और स्वतः स्नेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है। बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं। बाबा तीसरे प्रकार की स्नेही आत्मा की निशानी और विशेषता बता रहे हैं कि उनके नयनों से मुख से संकल्प से हर कर्म में सहज और स्वतः ही बाप के साथ का अनुभव होता है, बाप के स्नेह का अनुभव होता है और वो बाप से कभी जुदा नहीं होते और बाप उनसे कभी जुदा नहीं होते। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट रहते हैं।
इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उन्हों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि कोई न कोई अल्पकाल की प्राप्ति की आवश्यकता किसी और को सहारा बनाती है, अर्थात संपूर्ण स्नेह में अंतर डालती है। बाबा कहते हैं कि कहां भी कोई आकर्षण है तो वो आकर्षण बाबा से संपूर्ण स्नेह में अंतर डाल देती है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूति में रहती है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन तीन प्रकार के हैं। अब अपने से पूछे, मैं कौन? अपने को तो जान सकते हैं ना? बाबा कहे, स्नेही है तभी स्नेह के कारण ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, लेकिन स्नेह के साथ साथ निभाने की शक्ति उसमें नंबरवार बन जाते हैं। स्नेह के साथ शक्ति की भी आवश्यकता है, स्नेह के साथ शक्ति की भी आवश्यकता है। जिसमें स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है। ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है, बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है। समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है, क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। संसार में आकर्षित करने वाली दो ही बातें हैं, एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभव व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंध के रस का अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है। बाबा कहते हैं, जो आत्माएं बाबा को ही अपना संसार बना लेती हैं, तो उनको कोई भी चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, क्योंकि आकर्षित दो चीजें विशेष करती हैं, एक तो संबंध और दूसरा वस्तु वैभव। तो जो आत्माएं बाबा के स्नेह में समाई रहती हैं, उन्हें उसी स्नेह में सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है, न कि वैभव व साधन। वैभव व साधन रचना है और बाप रचता है। जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वप्न मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की स्थिति को देख हंसी आती है, क्योंकि आश्चर्य तो कह नहीं सकते, फुल स्टॉप है। चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनीक नहीं होता और टाल टालियों का रंग रूप बड़ा शोभनीक होता है। देहधारी के संबंध का आधार देह भान से सहज अनुभव होता है और बाप का आधार देह भान से परे होने से अनुभव होता है। देह भान में आने की आदत तो है ही, बाबा कहते देह भान में आने की आदत तो है ही, न चाहते भी हो सकते हैं। इसलिए देहधारी के संबंध का आधार व सहारा सहज अनुभव होता है। समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं। बाप दादा देखते देखते मुस्कुराते रहते हैं। उस समय की स्थिति हंसाने वाली होती है। जैसे आप लोग क्लासेस में व भाषणों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था कि नलके पर नहीं बैठना। तो ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से एक तरफ यही सोचते रहते कि एक बाप दूसरा ना कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहिए, तो उस समय हंसी आएंगी ना। तो उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धि को ऐसा परिवर्तन करेगी जो झूठा सहारा ही सच्चा सहारा अनुभव होगा। जैसे आजकल झूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रॉन्ग राइट अनुभव होता है। तो वो रॉन्ग बात झूठा सहारा उसको पक्का करने के लिए व झूठे को सच्चा साबित करने के लिए, जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता है तो उसको मजबूत करने के लिए पिलर बनाए जाते हैं। बाबा कहे तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। क्या पिलर लगाती है? बाबा कहते हैं कि माया कौन से पिलर्स लगाती है? माया यही संकल्प देती है।
कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते हैं अभी तो पुरुषार्थी ही हैं, संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेंगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं, तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। बाबा सावधान कर रहे हैं, तो ऐसे संकल्पों का पिलर कभी नहीं बनाना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप से सदा रहे, यह अनुभव कम करते हैं। इस सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। सर्व संबंधों की अनुभूति कम होने के कारण कहीं न कहीं अल्पकाल का संबंध जुट जाता है। स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा व हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है। बाबा कहते चाहे जीवन हो, चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, सब में सच्चा सहयोग देने वाला सच्चा सहारा एक बाप है। यह अनुभव और बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सूक्ष्म में सहयोग देने वाला, निराकार है, आकार है, साकार तो है नहीं। बाबा कहते लेकिन हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो। अंडरलाइन, हर संबंध को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो, साकार स्वरूप में साथ का अनुभव कर सकते हो। इस अनुभूति को गहराई से समझो और स्वयं को इसमें मजबूत करो, तो व्यक्ति वैभव व साधन अपने तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। साधनों को निमित मात्र कार्य में लाना व साक्षी हो सेवा प्रति कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूति को बढ़ाओ। सहारा नहीं बनाओ, निमित मात्र हो। इसको कहा जाता है स्नेह में समाई हुई समान आत्मा। बाबा कहे तो अपने से सोचना कि मैं कौन, समझा। बाबा ने तीन प्रकार के स्नेही बताए और तीन प्रकार के पुरुषार्थ बताए, तो बाबा कहते अपने आप को सोचना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ और कौन सा पुरुषार्थ है, समझा। अच्छा, सदा स्नेह में समाये हुए समान आत्माओं को, सदा एक बाप से सर्व संबंध का अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप को आधार मूर्त सच्चा सहारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्ति रचता बाप द्वारा अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा सहज स्वतः एक बल एक भरोसा अनुभव करने वाली सच्चे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे सच्चे सहारे साथ का अनुभव कराने वाले बाप को भी हम सभी बच्चों की ओर से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी बाप दादा की दादियों से पर्सनल मुलाकात है। बाबा ने कहा सदा समाये हुए हैं या याद करने की मेहनत करनी पड़ती है, सिवाय एक बाप के और कोई दिखाई ही नहीं देता। जब कहानियां सुनते हैं तो हंसी आती है ना, कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती, और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं यह क्या हुआ, मैं थी या और कोई था, ऐसे भी सोचते हैं, क्योंकि उस समय परवश होते हैं ना, तो परवश को अपना होश नहीं होता है। जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है, संगठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा, और आप निमित आत्माएं यह सब खेल देख हर्षित होते रहते हो। सभी चल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई उड़ रहा है, और आप लोग क्या करते हो, उड़ते उड़ते साथ में औरों को भी उड़ा रहे हो, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माएं बन गए, तो रहम आता है ना, घृणा नहीं आती लेकिन रहम आता है, और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है। अच्छा, जो चल रहा है अच्छे से अच्छा चल रहा है, अथक बन सेवा कर रहे है ना, निमित आत्माओं के अथक मन को देख सब में उमंग आता है ना। अच्छा, अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है, उसका सार है साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ। साधारणता को समाप्त कर विशेषता के संस्कार नेचुरल और नेचर बनाओ।
बाबा कहे, अपने को सदा संगम युग के रूहानी मौज में रहने वाले अनुभव करते हो, मौज में रहते हो, व कभी मौज में कभी मूंझते भी हो, या सदा मौज में रहते हो, क्या हाल चाल है? बाबा कहते, क्या स्थिति है? सदा मौज में रहते हैं या मूंझते हैं, या कभी मौज कभी मूंझ? बाबा कहे, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए व ऐसी कोई परीक्षा आ जाए तो मूंझते हो? तो सभा में किसी ने कहा कि थोड़े टाइम के लिए मूंझते हैं। तो बाबा ने कहा, उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा? अकाले मृत्यु का तो समय है ना, तो थोड़े समय में भी अगर मौज के बजाय मूंझते हो और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंत मते सोगति क्या होगी? इसलिए सुनते रहते हो ना, सदा एवर रेडी। बाबा कहते हैं, अगर मूंझ की स्थिति में शरीर छोड़ा तो गति कौन सी होगी? एवर रेडी का मतलब क्या है? क्या हर घड़ी ऐसे एवर रेडी रहो, कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने? बाबा एवर रेडी का भावार्थ बता रहे हैं कि कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप न बने। अंत अच्छी तो भविष्य आदि भी अच्छा होता है, तो एवर रेडी का पाठ इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि सोचो कि थोड़ा समय होता है, लेकिन थोड़ा समय भी एक सेकंड भी धोखा दे सकता है। वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चला, ऐसा 2-4 मिनट चलता है, लेकिन एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। तो बाबा कहे, मिनट की तो बात ही नहीं सोचो, क्योंकि सबसे वैल्यूएबल आत्माएं हो, अमूल्य हो, अमूल्य आत्माओं का कोई दुनिया वालों से मूल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारण समझेंगे, लेकिन आप साधारण नहीं हो, विशेष आत्माएं हो। विशेष आत्मा का अर्थ ही है, जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेष है, साधारण नहीं हो। समय भी साधारण रीति से नहीं जाए, हर सेकंड और हर संकल्प विशेष हो, इसको कहा जाता है विशेष आत्मा। तो विशेष करते करते साधारण नहीं हो जाए, ये चेक करो। कहीं ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया, कोई वाणी से भी ऐसा उल्टा सुल्टा शब्द नहीं बोला, लेकिन भविष्य और वर्तमान श्रेष्ठ बनाया। बाबा कहते हैं, चलो कुछ व्यर्थ नहीं गवाया, कुछ गलत नहीं बोला, कुछ गलत नहीं सोचा, लेकिन भविष्य और वर्तमान के लिए श्रेष्ठ क्या किया? बुरा नहीं किया, लेकिन अच्छा किया। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया, लेकिन बुरे की जगह पर अच्छे से अच्छा किया व साधारण हो गया। तो ऐसे साधारणता नहीं हो, श्रेष्ठता हो। नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जमा हुआ। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसी स्थिति में नुकसान चलो नहीं हुआ, लेकिन जमा भी तो नहीं हुआ, क्योंकि जमा का समय तो अभी है ना। अभी का जमा किया हुआ भविष्य अनेक जन्म खाते रहेंगे, तो जितना जमा होगा उतना ही खाएंगे ना। अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थात प्रारब्ध कम होगी। बाबा कहे, लेकिन लक्ष्य है श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं, साधारण भी बने तो क्या हर्जा? बाबा पूछ रहे हैं, हर्जा है या चलेगा? तो चेक करो कि हर सेकंड हर संकल्प विशेष हो। जैसे आधा कल्प के देह अभिमान का अभ्यास नेचुरली न चाहते हुए भी चलता रहता है ना, देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना, ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचुरल और नेचर हो जाए, तो जो नेचर होती है वह स्वतः ही अपना काम करती है। सोचना नहीं पड़ता है, बनना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो ही जाता है। तो ऐसे विशेषता के संस्कार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले। ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है, मेरी नेचर यह है, नहीं, हर एक के मुख से, मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेष आत्मा के विशेषता की। तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है? जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती। किसी की नेचर रमणीक है तो स्वतः ही रमणीकता चलती रहती है ना,
उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया। कोई कहेगा तो भी कहेंगे मैं क्या करूँ, मेरी नेचर है। तो विशेषता की भी ऐसी नेचर हो जाए। कोई पूछे आपकी नेचर क्या है, तो सबके दिल से निकले कि हमारी नेचर है ही विशेषता की। साधारण कर्म की समाप्ति हो गई, क्योंकि मर जीवा हो गए ना, तो साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं। माना नया जन्म हो गया, तो साधारणता पास्ट जन्म की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म ले लिया, तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, ऐसे अनुभव हो। तो अभी क्या करेंगे, बाबा पूछ रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे। साधारणता की समाप्ति, संकल्प में भी साधारणता नहीं। फिर बाबा कहे माताएं मौज में रहती हैं, कितना भी कोई मुंझाने की कोशिश करे, लेकिन आप मौज में रहो। मुंझाने वाले मुंझ जाए, लेकिन आप नहीं मुंझो, क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुंझना और ज्ञानियों का काम है मौज में रहना। तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो, सदा मौज का अनुभव करो, तब तो फलक से कह सकेंगे, होगा तब ही तो कह सकेंगे ना, जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता। चैलेंज कर सकते हो कि हम मूंझने वाले नहीं हैं, क्योंकि विशेष आत्माएं हैं। क्या याद रखेंगे, बाबा फिर पक्का करा रहे हैं कि क्या याद रखेंगे, मौज में रहने वाली विशेष आत्मा है। ऐसी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत वाले को मदद स्वतः ही मिलती है। अच्छा, आज सतगुरु बाबा का वरदान है, सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। स्पष्टीकरण है, भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, साकार ने भी तो निराकार से पाया, हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे, लेकिन यह खंडित चाबी है। सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भाग्य नहीं बन सकता, साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही है ब्रह्मा द्वारा। तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। आज का स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। स्वयं से, सेवा से, सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो, तब सिद्धि स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।